अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारा बहुत सडन प्लान बना है तलहा और मेरा, बिकॉज आज वीकेंड है और हम लोग कुछ कर नहीं रहे थे। तो मैंने बोला कि आज जो है इट्स अबाउट 22-21 डिग्रीज, तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। हालांकि धूप नहीं निकली हुई है, लेकिन फिर भी इट्स वेरी नाइस एंड क्लाउडी। तो आई टोल्ड तलहा आई थिंक वी शुड जस्ट लाइक यू नो सडनली गो फॉर अ पिकनिक। तो हमने जल्दी से थोड़ी सी ड्रिंक्स उठाई, लेमनेड और जूसेस, और आई मेरे बॉक्स में चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी सोइस डाल दी बना के, लाइक बहुत क्विकली। पानी की बोतल भरी हुई कैप, लाइक ब्लैंकेट बचा के बैठने के लिए। एंड नाउ वी आर ऑन आवर वे टू डू हॉलिंगवर्थ लेक। वी आर गोइंग टू, यार तुम्हें पता नहीं गला ये तुम कमेंट्स पर पढ़ के बोल रहे हो ना, हैं बदतमीज, कितनी गलत बात है। खैर, तो अभी हम लोग जा रहे हैं हॉलिंगवर्थ लेक। वहाँ पे वहाँ के लिए मैंने अभी WH स्मिथ व्हाटएवर दैट इज, उससे मैंने एक सैलड लिया। ये इतने मज़े का सैलड होता है, इसमें है स्मोक सैमन, बीबी पोटैटोज, स्पिनच एंड क्यूकम्बर्स। दिस इज माई फेवरेट सैलड और ये बहुत मज़े का होता है। तो मैंने बस ये उठाया, बाकी खाना हम लोग खा के आए थे, लेकिन वहाँ से शायद आई हर्ड कि वहाँ फिश बहुत अच्छी मिलती है, शायद वो खा लें। बाकी ड्रिंक, स्नैक्स, गेम शेम सब हमारे पास हैं, और बस वी आर गोना गो हैव अ वेरी सडन पिकनिक। तो वहाँ जाके दिखाते हैं। पहुंच गए हैं यहाँ पे हॉलिंगवर्थ लेक। हॉलिंगवर्थ लेक, और जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही पिकनिक की तैयारी पूरी है। ये हमारा ब्लैंकेट में लोग बैठेंगे, बैक बैक में पूरे स्नैक्स हैं। पूरे स्नैक्स थे जो बहुत सारे थे, वो रास्ते में ही किसी से इंतजार नहीं हुआ स्नैक्स का। लिसन है, मैं लेक दिखा रही हूँ, ये पूरी लेक है पीछे, और वहाँ अच्छा, पे पूरी लेक है पीछे तक। कहाँ तक लेक है? मैं बस म्यूजिक डाल दूंगी यहाँ पे। लेक कहाँ तक है तो ये तो बताओ, लेक मुझे खुद नहीं पता लेक कहाँ तक है, लेकिन लेक बहुत आगे तक है। लेकिन पॉइंट इसके पीछे पहाड़ भी है। मैं रिवर्स करके दिखाती हूँ। रिवर्स, यार आप बोलने पहले, आपको बहुत शौक हो रहा है ना बोलने का। रिवर्स करो तो ये देखें, जहाँ तक आपको पानी नजर आ रहा है वहाँ तक लेक है, उसके पीछे हरियाली है, और पीछे आपको पहाड़ नजर आ रहा होगा, वो पहाड़ है यार, वो वाइट नजर आ रहा है, वो लगता है कोई रेस्टोरेंट या कुछ। वहाँ चले, घूम के चलते हैं पूरा। ओके, अभी हम लोग अच्छा सा पिकनिक स्पॉट ढूंढेंगे, वहाँ पे फिर पिकनिक करेंगे स्नैक्स के बगैर, क्योंकि स्नैक्स कोई खा चुका है आने से पहले। नहीं, बहुत सारे स्नैक्स थे, और जैसे कि आप देख सकते हैं हमने आज ट्विनिंग किया। यस, ओलिव 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 ओलिव, और मैंने मेकअप अगेन बहुत बिल्कुल हल्का सा किया है, जस्ट सम मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, देन ब्लश ऑन एटसेट्रा। एक महीना ही होता है पूरे साल में, नहीं दो होते हैं, दो होते हैं, दो सनग्लासेस पहन सकते हैं, इसमें पहनने चाहिए। खैर अभी अगस्त तक कहानी ऐसी ही है, लेकिन वो अलग बात है कि ऑन ऑफ चलती रहती है, सो दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। लेकिन लेकिन बहुत इट्स अ गुड फीलिंग ऑनेस्टली। और अभी टेम्परेचर जो है वो हो रहा है तकरीबन अराउंड 22 डिग्रीज, बट इट्स स्टिल सो नाइस एंड सो प्लेजेंट। मतलब हल्की हल्की ठंड आ रही है नीचे देखने के लिए। जी जी, और जगह बैठने के लिए बस यहाँ बैठना है। पड़ल पड़ल पड़ल
लोग अपने डॉगीज को पानी में नहला रहे हैं और हम लोग चल चल के भी एक स्पॉट ढूंढ रहे हैं बैठने के लिए जहाँ हम लोग जाके अपनी पिकनिक सेटअप करेंगे। प्रेफरेबली कोई खाने की जगह आसपास हो, फिश एंड चिप्स और समथिंग, ताकि वो भी हम लोग खाएं। फिश एंड चिप्स पता है वो जो मेन रोड उधर जा रही थी ना, वही वही हम देख रहे हैं। ब्लू कलर का बोर्ड बनाया दैट्स द वन आई सॉ, बट हम पार्किंग में घुस गए। यस यस आई नो, आई नो, और भी आएंगी जगह बहुत। घर ले लें, ले लो प्लीज, बी वेरी हैप्पी। पूछो कितने का है? नहीं नहीं अच्छा, मैं तो बचपन में भी नहीं बैठती थी। वहाँ ज़ूम इन करो, हट दे दो फिर शीश। आई हियर डक्स व्हिच आई वांट टू स्टे अवे फ्रॉम, आई वांट टू स्टे अवे फ्रॉम डक्स। वेयर हॉर्सी बताओ, वो कोने में इस दे, देखो कैमरे में देखो। हाँ, ये क्या है, पानी में क्या है? ये छोड़ो पानी में जो भी है वो। ओके ओके, वहाँ जा रहे हैं वो खाने की जगह है। ओके डॉगी फाइट हो रही है। ये ग्रीन ग्रीन हिली व्यूज हैं यहाँ पे। सीधा नहीं नहीं जान, ये भी जगह है सारी। ये हमने ले ली है आइसक्रीम, मेरी है चॉकलेट एंड चॉकलेट कोन, और हया की है क्रंची अगेन एंड चॉकलेट कोन। तो ये क्या है, ये क्या? मैं ब्लू स्काई ले रही थी। ब्लू स्काई सामने आए थे, पूरी ब्लू स्काई। हम लोगों को अच्छा स्पॉट मिल गया, हम लोग खा रहे हैं आइसक्रीम आइसक्रीम, और हम लोगों ने ऐसे चादर बिठाई हुई है। अभी हमारे स्नैक्स लगेंगे, हमारे गेम्स निकलेंगी, लेकिन ये हमारा व्यू है। हम बिल्कुल पानी के सामने बैठे हैं एंड जगह बहुत ही प्यारी। हमें चाहिए, हमारा क्राइटेरिया ये था कि हमें चाहिए जगह जो धूप में हो, बिल्कुल सूरज के सामने और पानी के भी करीब हो, और मतलब थोड़ी सिक्योरिटी हो, मतलब एक बहुत ही पब्लिक जगह है लाइक बैठने की। हम वहाँ पे नहीं गए, लेकिन यहाँ पे सेलिंग भी हो रही है, कैफेज हैं, फिश एंड चिप्स हैं, सोचा बाद में खाएंगे, अभी हम लोग आइसक्रीम इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ बैठ के थोड़ी बातें बातें करेंगे, गेम वेम्स खेलेंगे, फिर थोड़ी देर निकल जाएंगे, लेकिन वेरी नाइस है। यस देखो, करो अपनी बकवास। ये काटूंगी नहीं मैं, प्रॉमिस, काटूंगी नहीं मैं। अब बताओ क्या सनबेथिंग चल रही है और कुत्ते खेल रहे हैं और सब हो रहा है, बताओ। प्रॉमिस, सामने आपको दिख रहा है ये पानी है, इसके आपको नीला आसमान, ये हरे हरे पत्ते हैं, पत्ते नहीं पौधे हैं, पौधे हैं भाई, पौधे हैं, पत्ते। कसम खुदा की नहीं काटूंगी मैं ये, तुमने जो बोला है। सबको लगता है तुम बहुत अच्छे हो, मैं सच बताती हूँ। मेरी आइसक्रीम भी चोरी कर ली, दोनों खा रही हो, खुद पकड़ाइयो। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हेलो हेलो, अच्छा नहीं लग रहा ऐसे बैठे हैं मैं, बिल्कुल भी बहुत अच्छा लग रहा हूँ। तो मैं लग रहा हूँ, बाकियों को नहीं, बाकी को अच्छा लगना जरूरी नहीं है। टाइम बताना मुझे क्या हो रहा है। 8 में 10 10 मिनट्स टू 8 एंड नो सनसेट येट, यही यही। अच्छा जी, तो तकरीबन 8 बज गए हैं, मगरिब में 8:30 हो रहे हैं, तो मगरिब में कोई आधा पौना घंटा रह गया, और अब हम लोग जा रहे हैं अपनी पिकनिक पैकअप करके। पिकनिक पैकअप, अगर फिश एंड चिप्स की जगह खुली हुई तो फिश एंड चिप्स खाएंगे हम लोग, फिर घर जाएंगे, घर जाके मैं थोड़े से काम वाम करूँगी, और मैं तो अपने दोस्त के साथ जाऊँगा। तलहा अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं, मेरे कोई दोस्त है नहीं, इसलिए मैं घर पर बैठूंगी। सैड लाइफ, बेस्ट फ्रेंड जा रहा है, फिर मैं क्या करूँगी। खैर, यस यू आर माई बेस्ट फ्रेंड,
बट आई हैव नो फ्रेंड्स टू हैंग आउट विद सैडली सो या लेकिन बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही मज़ा आया. इट वॉज सच अ नाइस प्लेस. लोग अपने सारे डॉग्स को लेके आए, हमने आइसक्रीम इतने मज़े ही खाए एंड द व्यूज वर जस्ट ब्यूटिफुल. माशाल्लाह बहुत मज़ा आया. सब लोग अपने डॉग्स को लेके आए हुए थे और यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं कि इट्स ऑल वाटर व्यूज. अब हम लोग दूसरी साइड वॉक करके जा रहे हैं टूवर्ड्स आवर कार एंड वी आर गोना सी इफ वी कैन गेट समथिंग टू ईट टिल देन. उसके बाद घर जाते हैं. ऑल इन ऑल अ वेरी गुड डे और बहुत मज़ा आया. ये वो घोड़े हैं जो हमें मिल नहीं रहे थे. बाय द वे बहुत प्यारा सा पिंक इश सनसेट हो रहा है. एंड ये वेरी नाइस प्रीटी हॉर्सेस. सेज यू कांट फीड देम आई गेस व्हिच इज फाइन बट दिस इज वेयर दे आर ग्रेजिंग. अच्छा ये घोड़े बता दिए, ये जो दिख रहे हैं ये घोड़े दिख रहे हैं. हां एनीथिंग एल्स? दैट्स इट. ओके और कुछ ऐड करना चाहेंगे? ये पहाड़ हैं, ये दरख्त हैं. नहीं नहीं बताया मैंने, सिर्फ बोला कि घोड़े और ग्रेजिंग कर रहे हैं बस. और ये बहुत प्यारा सा सनसेट है, पिंक ऑरेंज ब्लू. आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट द बर्ड साउंड्स एंड द व्यूज. मैं zoom कर रही हूँ. हम लोग यहाँ पे रुके हैं ये शॉट लेने के लिए, ये सनसेट दिखाने के लिए. कितना प्यारा है, ऑल द पिंक एंड द ऑरेंज ब्लू कलर्स. इट इज ब्यूटिफुल. हम लोग यहाँ पर वॉक करके जा रहे हैं टूवर्ड्स अ कार. अभी कोई 10-15 मिनट की वॉक है हमारी एंड देन इट्स अ 20 मिनट ड्राइव बैक होम. तुम्हारी लेती माँ. ये मैं बचपन में इतना, दीज यूज़ टू बी माई फेवरेट. इनको ऐसे तोड़ते हैं और फिर दिखाती हूँ क्या करते हैं. प्लीज थैंक यू. चलो 1, 2, 3. आई विन. मोर ब्यूटिफुल व्यूज. हमारी वॉक थोड़ी लंबी हो गई है. लेमनेस मतलब इतने प्यारे व्यूज दिखा रही मैं भी. लेमनेस हाय क्वालिटी क्वालिटी खराब हो रही है मेरी. तो ये हमारी वॉक है. हमने पूरी वो वाली वहाँ से वॉक किया है एंड नाउ वी आर गोना वॉक ऑल द वे फॉरवर्ड. अच्छा जी, तो हम लोग घर आ गए हैं. तकरीबन कोई 10 बज रहे हैं और तलहा निकल गया दोस्तों के साथ बाहर. और मैं अभी बिकॉज मुझे फिश एंड चिप्स खाने थे वहाँ पे, लेकिन फिश एंड चिप्स बंद हो गए थे. दे क्लोज एट 9 o'clock एंड वी गॉट देयर अराउंड 9:10. मैंने अपने लिए घर आके ये बनाया है. दिस इज राइस एंड चिकन और थोड़े से खट्टे आलू जो मैंने दाल के साथ बनाए थे. तो मैं ये खा रही हूँ बिल्कुल थोड़े से. ये दिखाती हूँ अभी साथ में. आई एम हैविंग माई फेवरेट ड्रिंक लेमनेड, which is nice and low calorie. By the way, मैंने सबको बताया हुआ है कि फार्म फूड से बहुत ही अच्छी चीज़ें मिलती हैं. हलाल हुई उनका बहुत बड़ा है. एंड दिस चिकन ऑल्सो आई गॉट फ्रॉम देयर. तो मैं इस चिकन की पिक्चर दिखाती हूँ, बहुत अच्छी है ये. कल मैं पूरा सामान ले रही थी फ्रोजन, तो दैट्स ऑल मुझे पूरा स्टॉक हुआ है. ये चिकन है शवरमा चिकन. इसको सिर्फ 2 मिनट माइक्रोवेव करना होता है. दिस इज़ वेरी नाइस फॉर रैप्स. और मैं तो एज यू कैन सी आई एम हैविंग इट विद राइस. और बेस्ट पार्ट ये कि इट्स थाई मीट, तो इट्स नाइस एंड टेंडर एंड जूसी. तो ये मैंने लिए थे अराउंड 3 packets. ये स्पाइसी वाला है, ये दूसरा वाला है, ये भी कोई चिकन फिलेट है. मेरे पॉइंट बीइंग फ्रोजन फूड बहुत सारा पड़ा हुआ है. ये हमारा आइसक्रीम स्लैश डिजर्ट सेक्शन है, बीच वाला. इसमें सारी आइसक्रीम्स होती हैं और एक पिज्ज़ा मैंने डाला है काट के बिकॉज जगह नहीं थी. एंड देन एवरीथिंग एल्स इज नाइस एंड स्टॉक्ड. अनदर पिज्ज़ा ओवर देयर. Everything is from farm foods. या Aldi, आलू अक्सर Aldi से लेते हैं और pizzas और meats और सारी हलाल चीज़ें वो farm foods से. तो अभी खाना खा रही हूँ मैं, साथ में थोड़ा सा टी वी देख रही हूँ. इसके बाद खाना खा के थोड़ा सा रिलैक्स थे कि मैं फिर थोड़ी ग्रीन टी पीऊँगी, अपनी बुक पढ़ूँगी, स्किन केयर करूँगी मैं. और आज बाय द वे तलहा वापसी पर मेरी अपने दोस्त से वो चीज़ें मिलाएगा जो पाकिस्तान से आई हुई हैं.
जो अनियन ने भिजवाई थी मुझे स्किन केयर एंड माई टॉप अप्स, तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दोज इज वेल. उसके बाद फिर थोड़ी स्किन केयर करेंगे, फिर तब तक होपफुली रात को लाइक एक तो पता तला आ जाएगा, तो देन वी कैन जस्ट इन चिल, क्योंकि वीकेंड हम लोग लेट सोएंगे आज, तो हम कोई मूवी देखेंगे. अभी मैंने बैटमैन की ट्रिलॉजी ख़त्म की है बिकॉज आई नेवर सीन बैटमैन एंड इट्स तला फेवरेट मूवी. तो हमने एप्पल पे लेके तीनों मूवीज तीनों दिन देखी थी लास्ट वीकेंड पे और बहुत मज़ा आया था. तो तला प्रॉब्ली खाना खा के आएगा, मैं बस हल्का फुल्का ये खा रही हूँ. रात को विल जस्ट हैव समथिंग लाइट लाइक एक थोड़ा सा छोटा सा पिज्ज़ा खा लेंगे, कुछ भी हो जाएगा, सम स्नैक्स निक नैक्स. तो ये मेरा प्लान है अभी का. फिर स्किन केयर शायद मैं रिकॉर्ड करूँ या ना करूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू रिकॉर्ड स्किन केयर की वीडियो कल, क्योंकि कल मेरा नया सामान, आज मेरा नया सामान आ रहा है, माई न्यू थर्मल स्प्रिंग वाटर एंड द रेस्ट ऑफ माई ब्लिसफुल स्टफ, नया क्लेंजर आ रहा है मेरा, तो मैं तब चाह रही हूँ मैं स्किन केयर की वीडियो बनाऊँ सही से. तो आई थिंक कल ही बनाते हैं. तो बस अभी के लिए यही है, थोड़े से काम वाम करके फिर मैं थोड़ा बिल्लियों को टाइम दूंगी अपनी. फ्लफी इज़ वेरी 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 प्रेगनेंट, तो वो बहुत खाना खा रही है आजकल. दिन में 3-4 पैकेट अकेले खा जाती है वो वेट फूड के. वो दोनों वहाँ बैठे के चिलिंग कर रहे हैं अपनी. तो बस इनके बाल ब्रश करूँगी, लिटर विटर साफ करूँगी, थोड़ा सा इनको थोड़ी टाइम और टेंशन दूँगी, फिर मैं अपना रिलैक्स करूँगी खाना वाना खा के. कराची से मेरे सारे स्नैक्स आ चुके हैं, अमरूद जली, टॉप अप्स, चिली मिली, ये भी जली. इसका साइज कितना, ये 10 रुपए की है. इसके क्या है? नहीं जली इसके अंदर 2-3 है बस, मुश्किल से. वेरी एक्सपेंसिव ये वाली मुझे बहुत पसंद है. सो मेनी थिंग्स. फीफी हट जा मेरे यहाँ.